हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? आपका मेन का तैयारी भी बढ़िया चल रहा है? मैं रोशन कुमार, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। पहले मैं काम कर रहा था बोइंग कंपनी में एज ए डिप्टी सीईओ। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाने के लिए रहा है। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जेपीएससी फिजिक्स का सिलेबस क्या है। एक क्वेश्चन भी हमने ब्रीफ किया था कैसे लिखना है, 32 मार्क्स का। आज से हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहता है सिलेबस का पहला हिस्सा? यह है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या मेथड ऑफ मेजरमेंट। मापने का मेथड, ये पहला चैप्टर हमारा है। और इसी में हिस्सा है आपको जो सिलेबस में लिखा है एमकेएस, फिर लिखा है सीजीएस, और फिर लिखा है एसआई सिस्टम। इन सबको आज हम डिटेल पढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें से रहता है, आपको पता है। लेकिन मेन के हिसाब से 32 मार्क्स हम कैसे पूरा स्कोर कर सकें, तो हम उस पर आज ज्यादा बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आता है कि क्वांटिटी क्या है। व्हाट इज ए क्वांटिटी? आप उसको कह सकते हैं राशि, है ना? व्हाट इज अ क्वांटिटी? तो क्वांटिटी का मतलब है जिसका आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। किसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? कमरे का लेंथ। तो लेंथ क्या हो गया? क्वांटिटी। आप दौड़ रहे हैं तो कितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्वांटिटी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितने समय तक आपने पढ़ाई किया, टाइम इज ए क्वांटिटी। सो जो एग्जिस्ट करता है नेचर में प्रैक्टिकली, आप उसको कह सकते हैं क्या? क्वांटिटी। और जिसका आप क्या कर सकते हैं नेचर में, यानी प्रकृति में, जो भी अपने आप होने वाली चीजें हैं उन सबको हम क्वांटिटी बोलेंगे। तो क्या हो गया? एनी नेचुरल फेनोमेना इस क्वांटिटी। कोई भी नेचुरल फिनोमेना क्या है? एक क्वांटिटी है। यहां पर मेन कंसर्न है अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। अभी हम बात करें किसकी? भौतिक राशि की। सो व्हाट अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी? अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ जाइए। नेचर में होने वाले जो प्रक्रियाएं हैं, फेनोमिनन है, और जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको आप कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं जिसको मेजर नहीं कर सकते। नथिंग इज टू नॉट टू बी मेजर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसका आप मापतौल नहीं कर सकते। सो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, अ क्वांटिटी ऑफ फेनोमेना दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी
मेजर्ड, एक ऐसी प्रकृति की राशि जिसका मेजरमेंट हर हाल में कर सकते हैं, प्रकृति की राशि जिसका मेजरमेंट हम हर हाल में कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। आगे आइए, ये फिजिकल क्वांटिटी पूछो कि सर कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स, इसके प्रकार क्या है, है ना। इसके दो प्रकार हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब राशि, ये हो गई अदिश राशि और ये हो गई सदिश राशि, है ना। तो नाम से पता चल रहा है सदिश, जिसमें दिशा का ज्ञान होता है, और दिश जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन होगी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो बिना डायरेक्शन का क्वांटिटी कौन सा है भाई, आप बताइए। फिजिकल क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, ऐसी राशि जिसमें से कोई दिशा का बोध नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, स्केलर। अब जरा बताइए, टाइम 2 घंटे, तो टाइम का डायरेक्शन बताइए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होगा। टाइम का डायरेक्शन तो आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना, समय का कोई डायरेक्शन नहीं होता। और बताइए आगे जरा, 2 किलो लड्डू, है ना, इसका डायरेक्शन बताइए। 2 किलो लड्डू का मतलब क्या, मास, द्रव्यमान जिसको आप कहते हैं हिंदी में, द्रव्यमान का कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता। तो जरा बताइए 2 किलो लड्डू का डायरेक्शन। उसी टाइप से आप कह सकते हैं 3 लीटर दही, है ना, 3 लीटर दही, उसका डायरेक्शन बताइए। तो ये भी, इसका भी नहीं होता, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, या उसको हम कहते हैं आयतन, है ना, इन सब का कोई डायरेक्शन नहीं है। उसी टाइप से आपने सुना होगा चाल, जिसको हम स्पीड भी कहते हैं, तो स्पीड का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सारे अदिश राशियां हैं। देखिए मेरा फोकस ये है कि कैसे आपको 32 नंबर मिले, इसलिए हम सारी बातों को ठीक से बता रहे हैं, है ना। नाउ कम टू द वेक्टर क्वांटिटी, क्या बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जिसमें से आपको डायरेक्शन का बोध होता है, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि भाई दिशा जरूरी है, बिना दिशा का काम नहीं चलेगा, तो क्या कहेंगे उसको, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कार की वेलोसिटी, वेग हम कहते हैं उसको, तो कार जा रही है, कहां जा रही है, दिल्ली से पटना जा रही है, कहां जा रही है, रांची से पटना जा रही है, तो डायरेक्शन है, और नहीं तो कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आर के स्पीड से, चाल से, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। लेकिन 50 किलोमीटर चाल से जा रही है पटना से रांची, तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई फोर्स लगाया आपने, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द वॉल, तो फोर्स का कोई डायरेक्शन होगा, बिना डायरेक्शन का फोर्स लगा रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दीवार इधर है, फोर्स ऊपर लगाया, तो दीवार को यदि तोड़ना है या जोड़ना है, ये काम नहीं कर सकते आप। सो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बहुत जरूरी है, हम क्या कहेंगे उसको, वेक्टर क्वांटिटी। आ जाइए इधर, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा,
आप क्या कहेंगे, जिसका कुछ माप भी कर सकते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू भी है, और इसके साथ साथ जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, सॉरी जिसमें कोई दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, तो आप क्या कहोगे उसको, सदिश राशि। एग्जाम्पल क्या लिखा, क्या बताया हमने अभी, एग्जाम्पल बताया हमने वेग, आप इसको कहते हैं वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, और क्या कहते हैं इसको, बल, अभी हमने कहा था फोर्स, और एग्जाम्पल क्या है इसका, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, संवेग, संवेग इसको हम कहते हैं मोमेंटम, दिस इज व्हाट, मोमेंटम। तो ये सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, इसमें डायरेक्शन बहुत जरूरी है, इसके बिना, डायरेक्शन के बिना इसमें काम नहीं चलने वाला। ते हो गई कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। अब आपने नाम सुना होगा यूनिट का, सो व्हाट इज यूनिट, मैं इसको लिख रहा हूं इकाई, है ना। देखो 50 किलोमीटर पर आर, पर आर कार की वेलोसिटी या स्पीड, तो किलोमीटर और आर ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, जिससे आप फिजिकल क्वांटिटी को, स्पीड को, वेलोसिटी को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इकाई क्या है, किसी भी फिजिक्स के क्वांटिटी को कैसे आप मेजर करेंगे, वो क्या है, उसकी यूनिट है। यूनिट इज व्हाट, अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को मापने का जो तरीका है, हम उसको क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, हम उसको यूनिट कहते हैं। अब देखिए तो भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी है ना, आमतौर पे आप इसमें क्या लिखते हो, एक नंबर और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यूनिट। भौतिक राशि में एक संख्या है और उसकी इकाई है। एग्जाम्पल लीजिए, भौतिक राशि यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फोर्स जिसको आप बल कह रहे हैं, बल लिखा है 10 न्यूटन, तो न्यूटन क्या हो गया, बल की इकाई, और 10 क्या हो गया, नंबर। अब आप इस बल की जगह कुछ और ले सकते हो, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे लेंथ, सो लेंथ इज सपोज 100 मीटर, क्या है लेंथ, 100 मीटर, सो 100 इज ए नंबर एंड मीटर इज व्हाट, यूनिट। तो आपको यूनिट समझ में आएगा, इकाई क्या है, है ना। टाइम का यूनिट, अब मैं यहां फिजिकल क्वांटिटी लिखता हूं टाइम, टाइम में लिखता हूं 60 सेकेंड, है ना, तो 60 क्या हो गया, नंबर, और सेकेंड क्या हो गया, यूनिट। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हो तो किसी न किसी इकाई में मेजर करते हैं, बिना इकाई का मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी में पॉसिबल एकदम नहीं है, कभी नहीं है। सो इकाई का बहुत बड़ा महत्व है इसमें, काफी वैल्यू इकाई की। अब आप पूछो सर इकाई कितने टाइप के होते हैं, है ना, तो हम इसको 3 टाइप में ब्रॉडली डिफाइड कर रहे हैं, यूनिट, उसके टाइप। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। एक है फंडामेंटल, मूल इकाई, मूल इकाई। दूसरा है डेराइट, डेराइव्ड यूनिट का मतलब क्या, आप इसको आयातित भी कह सकते हैं, आयातित इकाई। और तीसरा क्या है,
सप्लीमेंट्री यूनिट है ना, जो किसी को रिप्लेस करता है ना, सहायक भी कह चाहो तो आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? सहायक। ट्राइंग टू स्कोर 32 मार्क्स है ना, कवरिंग द ऑल एमसीक्यूज, अपना पर्पस ये है। तो फंडामेंटल क्या मतलब? ऐसी इकाइयां जिसके बिना कोई मेजरमेंट कर नहीं सकते, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह ये सब नहीं है तो क्या पढ़ाई कर सकते हैं? क्या हम आईटी कर पाते? क्या आप जेपीएससी कर लेंगे? नहीं। ये आंख कान नाक मुंह क्या है? हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये बहुत जरूरी है कोई भी बेसिक काम करने के लिए। वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत नेसेसरी है, इसके बिना फिजिक्स का कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। सो नेसेसरी टू मेजर है ना, फिजिकल नॉट फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, यूनिट विच इज नेसेसरी। देखिए वर्ड क्या लिख रहा हूं मैं, नेसेसरी, एकदम आवश्यक है टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों को मापने के लिए मेजर फिजिकल क्वांटिटी, इसके बिना आप मेजरमेंट नहीं कर सकते है ना, एकदम कंपलसरी है। तो आवश्यक जो है वो मूल है, डेराइव्ड क्या हुआ? जो फंडामेंटल से ही आया है ना, तो क्या कहेंगे उसको? डेराइव्ड। यूनिट विच आर ऑब्टेंड, ऑब्टेंड फ्रॉम फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बना है, आयातित है ना, इंपोर्टेड है, ये भारतीय नहीं है, ये चाइनीज है ना, अमेरिकन है, इससे आया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको? आयातित बोल रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द सप्लीमेंट्री? देखो भाई, जब आप हॉर्लिक्स का बोतल लेते हो क्या लिखा होता है उस पर? फूड सप्लीमेंट है ना। जब आप कंप्लान का लेते हो बोतल क्या लिखा होता है उसमें? फूड सप्लीमेंट। तो ये नॉर्मल फूड नहीं है, आप कंप्लान पीकर के जीवन नहीं चला सकते, आपको रोटी चावल खाना होगा, उसमें कोई कमी रह गई तो पूरा कौन करेगा? आयातित करेगा, सॉरी सप्लीमेंट्री करेगा है ना। इसलिए कई बार मम्मी पापा बड़ा जोर देते हैं, बेटा हॉर्लिक्स पी लो, हॉर्लिक्स पी लो, कंप्लान पी लो, कि जो हम मेन कोर्स फूड ले रहे हैं, मेन जो भोजन हमारा है, उसमें कोई कमी रह गई तो फूड सप्लीमेंट क्या करेगा? उसको कंप्लीट कर देगा। सो ये सप्लीमेंट्री जो यूनिट है, ये मूल यूनिट को मदद करने का काम करता है। जहां मूल यूनिट को हेल्प चाहिए उसको हेल्प कर देगा। सो इसको मैं लिख रहा हूं, यूनिट टू हेल्प इन मेजरमेंट टू, मेजरमेंट टू फंडामेंटल यूनिट है ना, मूल इकाई को मदद करने का काम कौन करेगा? सप्लीमेंट्री। इन सब के हम एग्जांपल्स में भी देखने वाले हैं, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल कौन कौन सा है, डेराइव्ड कौन सा है वो भी सीखेंगे हम, और जो हमारा आयातित है, सॉरी जो हमारा सहायक है इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट कर रहे हैं क्या? कंप्लीट 32 मार्क्स पर फोकस कर रहे हैं। ये लिखने का तरीका, ये सीक्वेंस भी यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। नाउ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट
में या यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं इसको, जो सिस्टम था, जो तरीके थे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जो बात हम चल रही कर रहे थे, इकाई की जो अलग अलग था, तीन दिया हुआ आपके सिलेबस में, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। तो अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा था एसआई के हिसाब से कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ उसमें बोला नहीं, क्योंकि आपको इसी तरीके से लिखना है, इसी तरीके से आपको एग्जामिनर को बात समझाना है। तो इसमें पहला है एमकेएस, मास इन किलोग्राम, मास इन किलोग्राम। मास जिसको करें द्रव्यमान मिस्टेक एक जरा हो रहा है भाई मेरे, मीटर किलोग्राम सेकेंड पूरा सिस्टम या यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम या यूनिट, यह है मास का मेजरमेंट आप इसमें करेंगे, द्रव्यमान का मेजरमेंट आप करेंगे, द्रव्यमान इसको हम लेते हैं किसमें, मीटर में, और क्यों उल्टा हो रहे हो भाई, लेंथ, लेंथ हो गई आपकी लंबाई, आम तौर पे लंबाई का मेजरमेंट हम इसमें करते हैं मीटर में, इन द मीटर। फिर है मास या द्रव्यमान, इसका मेजरमेंट हम करते हैं किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम, आप केजी भी लिख सकते हैं, आप सिंबल एम भी लिख सकते हैं, और है फिर हमारा टाइम, समय, इसको मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में, स्मॉल एस से हम इसको दिखाते हैं। ये फ्रांसीसियों ने इसको विकसित किया था, फ्रेंच लोगों, इसको ऑफ फ्रांसीसी सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में दो लोगों ने ज्यादातर रूल किया, एक फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन। तो दूसरा ब्रिटेन वाला जो यूनिट है हमारे पास कौन सा है, सेकेंड यूनिट हमारे पास है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम और यूनिट। इसमें आप लेंथ का मेजरमेंट, लंबाई का मेजरमेंट फुट में करेंगे, एक वचन फिट है, बहुवचन फुट है, है ना, फिट या फुट। आप इसमें द्रव्यमान का मेजरमेंट किसमें करते हैं, पाउंड में, एक किलो से कम होता है, और टाइम का मेजरमेंट यहां भी क्या करेंगे, सेकंड में। तो आप इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हैं, ये अंग्रेजी सिस्टम है। आज भी हम अपने हाइट को बताते हैं 6 फीट, कोई कहता है 5 फीट 2 इंच, तो हमारे ऊपर 200 साल उसने राज किया, आज भी हम उसी के यूनिट में बात करते हैं, लेकिन ये सारा अब डेड है। फिजिक्स के मेजरमेंट के हिसाब से, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के हिसाब से, नेचर में जो फिनोमेना हो रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से आज के डेट में सारे क्या है, रिजेक्ट किए गए हैं।
तो तीसरा और सबसे अच्छा ये है SI यूनिट, पूरा नाम है इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, है ना, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स 1960 में पेरिस फ्रांस में हुआ, है ना। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कब आया? ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, विश्व स्तर पे सारे वैज्ञानिक बैठते हैं इसमें और कहते हैं कि भाई FPS को हटा दो, MKS को हटा दो, या दुनिया में जो अलग अलग मेजरमेंट के सिस्टम चल रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं आज के डेट में है, इन सबको हटाइए, रिजेक्ट करिए, क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरीज में, रिसर्चेस में, कम्युनिकेट करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो तब आया हमारा SI यूनिट। इसी SI यूनिट का तीन हिस्सा बेसिकली था, है ना। इसी SI यूनिट का कौन कौन सा तीन हिस्सा हमने बताया आपको? एक हमने बताया फंडामेंटल, मूल इकाई अभी थोड़ी देर पहले, दूसरा हमने बताया था डिराइव्ड, आप इसको आयातित भी कह सकते हैं, तीसरा बताया था हमने सप्लीमेंट्री। क्या बताया हमने? तीसरा सप्लीमेंट्री। तो अब हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल में कौन कौन सा भाई, है ना, व्हाट कम्स अंडर द फंडामेंटल। तो जो पहले हम लिख रहे थे, ये मान के चलिए कि आपका 30% से 40% नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, और आगे जो अभी हम लिखने जा रहे हैं 60-70% मार्क्स अभी हम आपको दिलाएंगे। सो फंडामेंटल के बिना कोई काम दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो जैसे फंडामेंटल यूनिट है, वैसे कोई फंडामेंटल क्वांटिटी भी होने का चांस है ना। बेसिकली जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हुआ तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए गए। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाया, और उसके यूनिट भी कितने होंगे रिस्पेक्टिव? 7 भाई। अब लेंथ मेजर करना है तो उसका एक लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और उसको मीटर में मेजर करेंगे क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। टाइम मेजरमेंट करना है, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट टू मेजर टाइम इज व्हाट? सेकेंड। सिमिलरली आप कुछ अलग चलते हैं, मैं कहता हूं करंट मेजरमेंट करो भाई, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस डिजिटल पैनल, इसमें 5 एम्पियर करंट चल रहा है, तो एम्पियर क्या हो गया? यूनिट हो गया टू मेजर द करेंट। एंड व्हाट इज करेंट? करेंट इज द फिजिकल क्वांटिटी, ये नेचर में, ये इस डिवाइस में फ्लो कर रहा है, ये फिजिकल फेनोमेना इसके अंदर चल रहा है, करंट इसमें फ्लो कर रही है। सो फिजिकल फेनोमेना, फिजिकल क्वांटिटी, इस पैनल में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, और उस इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे करें? एम्पियर में, है ना। तो 5 एम्पियर, 5 गुना जो यूनिट एम्पियर था उसका 5 गुना करंट इस डिजिटल पैनल में फ्लो कर रहा है। सो हम एक टेबल बना करके इसको लिखेंगे। पहले हम लिख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, हेयर इज फिजिक्स के फंडामेंटल मूल राशियां, और तब हम यहां पर लिख रहे हैं उसके फंडामेंटल यूनिट, या आप इसको SI यूनिट भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। कब अडॉप्ट किया ये आपको पता है? 1960 में अडॉप्ट किया।
तो सेवन क्वांटिटीज हैं टोटल. फर्स्ट क्वांटिटी मैं यहां पर लिख रहा हूं एंड दैट इज लेंथ. लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर. लंबाई एंड देर इज मास. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. ये सब बात तो आपको पता है बड़े आसानी से. टाइम मेजर्ड इन सेकेंड. नाउ तापमान टेम्परेचर. टेम्परेचर का मेजरमेंट हम केल्विन में करते हैं. साइंटिस्ट का नाम है इसलिए सिंबल हम कैपिटल लेते हैं. देयर आफ्टर अभी मैंने नाम लिया था इलेक्ट्रिक करंट. पैनल चलाना है ना भाई एलसीडी का तो करंट फ्लो कराना पड़ेगा. दिस इज मेजर्ड इन एम्पियर. एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है इसलिए सिंबल कैपिटल से लिखते हैं इसको. दिस इज एम्पियर. नाउ ये हो गए फाइव क्वांटिटीज. ल्यूमिनोसिटी आप कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता. प्रकाश की तीव्रता या तीक्ष्णता कितनी तीक्ष्ण है. इस कमरे के अंदर पांच ट्यूबलाइट लगा हुआ है तो प्रकाश पांच के अनुसार से रहेगा. पचास लगा दो तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी. सो ल्यूमिनोसिटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. अब इसका यूनिट क्या है कैंडेला. इसका यूनिट है कैंडेला. सिंबल लिखना है तो सीडी है ना. दिस इज द कैंडेला. और तब हम लास्ट जो 1960 में वेट एंड मेजर फ्रांस में जो हुआ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इसमें एक सातवीं क्वांटिटी शामिल की गई सेवेंथ क्वांटिटी. सो व्हाट इज दैट सेवेंथ क्वांटिटी. दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा. पदार्थ की मात्रा और इस पदार्थ की मात्रा को मेजर करते हैं किसमें इन द मोल. इट इज इन मोल. तो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज लेफ्ट साइड में और उसके यूनिट किस तरीके से. यूनिट का मतलब किस मेथड से किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं. तो सारा बात हो गया किसका फंडामेंटल का. अब हम चल रहे हैं कहां पर. वी आर कमिंग टू द अनदर एंड दैट इज कुछ एग्जाम्पल डेराइव्ड यूनिट का. तो मैं एक टेबल बना देता हूं डेराइव्ड क्वांटिटीज और उसके यूनिट. ये विदेशी लोग हैं ना है ना. डेराइव्ड है आया हुआ है कहीं ना कहीं से. क्या है आयातित राशि और आयातित इकाई. ये आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं. आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल जस्ट है ना. स्पेलिंग में दिक्कत हो रहा है तो मैंने इधर लिख दिया डेराइव्ड. सो कुछ भी आप नाम ले सकते हो. सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जो मर्जी आपके नाम में आ जाए वो सारा क्या हो जाएगा डेराइव्ड. जैसे मैं पूछूं आपसे प्रेशर तो प्रेशर क्या हो जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी. फोर्स डेराइव्ड